और घर पे आते ही एकदम शॉक हो गई हूँ. एंड दिस वॉज ओनली फॉर 100 रुपीज. सो यहाँ पे लिफ्ट की सर्विस हो रही है. सो कर यहाँ पे डब करते हैं. अभी सुबह हो गई है और हमारा मन कर रहा है कहीं चलते हैं, तो लेट्स गो. अरे वाह, कितना प्यारा सनसेट दिख रहा है. सो हम आए हैं नीचे वॉक करने, बिकॉज व्हाई नॉट. मतलब मम्मी ने खिड़की से बाहर देखा, मम्मी इज लाइक कितने दिनों से वॉक भी नहीं गए, चलो. मैंने बोला हाँ ठीक है चलो, और मैंने स्वेटर पहन लिया. मतलब स्वेटर तो नहीं है ये, मतलब फुल स्लीव्स वाला टॉप. एंड दिस इज यहाँ का नजारा. ब्रेकफास्ट में है रोटी, आलू एंड मटर की सब्जी. आलू मटर नहीं, पनीर मटर की सब्जी. तो कल मैंने आपको दिखाया था, लाइट खराब हो गई थी, पर अरे इसकी बैटरी खत्म हो गई थी. पापा ने इसे ठीक कर दिया था और अभी आई थिंक बैटरी खत्म हो गई है. सो अभी मैं रेडी हो गई हूँ. मैंने सिर्फ लिप बाम लगाया है एंड पानी की बोतल ले ली, बिकॉज मैं जहाँ भी जाती हूँ हमेशा अपनी पानी की बोतल लेके जाती हूँ. और ये जूते पहने जिसमें बहुत सारी हील है, तो मैं मतलब इतनी लंबी लगती हूँ, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है पहन के. सो अभी हम जा रहे हैं डब करने. सो मैं जिस शूट के रिहर्सल पे गई थी, मैंने आपके साथ वो शेयर किया था, उसी शूट मतलब वो शूट हो गया था. अभी हम उसके डब पे जा रहे हैं. तो उस दिन शूट का मैंने एक ऐसा वीडियो बनाया, व्हाट आई ईट इन अ डे वाइल शूटिंग, वो जल्दी अपलोड होने वाला है, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. अभी हम रेडी हो गए. ऑडिशन में दिखाया था ना, ऑडिशन बनाया थे, ऑडिशन दिखाया था, सेटअप दिखाया था. अच्छा हाँ, सब दिखाया, वही तो था. हाँ हमने आपको सब दिखाया हमारे एड का. हाँ हमने सेटअप दिखाया, ऑडिशन दिखाया, रिहर्सल दिखाया, कॉस्ट्यूम ट्रायल. मतलब कॉस्ट्यूम ऐसे रिवील नहीं कर सकते, पर रिहर्सल के दिन ही कॉस्ट्यूम ट्रायल भी था. तो हमने यू नो आपको सब दिखा दिया. अभी दिस इज आई थिंक द लास्ट पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ शूटिंग समथिंग डबिंग. तो मतलब एड पे आपको स्क्रीन पे जो दिखता है उसमें वॉइस भी तो परफेक्ट होनी चाहिए ना. तो इसलिए अभी हम जा रहे हैं डब करने. आई वो दीज पैंट्स, ये मैंने बहुत टाइम से खरीदी हुई थी, टुडे आई एम वेयरिंग देम फॉर द फर्स्ट टाइम. और थोड़ी ऊंची भी हो गई है, मतलब मेरी हाइट भी बढ़ गई है, मैंने पैंट ही नहीं पहनी अभी तक. बट एनीवेज हमारी कैब आ गई है, सो लेट्स गो. मास्क ले लिया नहीं? अभी हम दर्शन कर रहे हैं, आ जाइए मैम. सो यहाँ पे लिफ्ट की सर्विस हो रही है, तब तक हम चलते हैं. अब यार इन द लिफ्ट, चलो चलते हैं. मेरे बाल इतने अजीब से पता नहीं क्यों लग रहे, अभी थोड़े बाल में ऐसे ऐसे तो बाल ठीक हो जाते. नहीं सच्ची में ऐसे बाल ठीक हो जाते हैं. एक अच्छे शॉट से ही यहाँ पे भूतनी बनी जा रही हूँ. डब के लिए से यहाँ पे स्टूडियो ए है, ये स्टूडियो बी है, वो कंट्रोल सेंटर होगा आई थिंक. और यहाँ पे डब करते हैं, मतलब जहाँ पे माइक पे एक्चुअली बोलते हैं. तो अभी डब करते हैं. सो अभी मेरा डब हो गया है, हम बाहर आ गए हैं बिल्डिंग से. और यहाँ पे पास में एक क्या बोलूँ मैं, मार्केट है मतलब बांद्रा हिल रोड. सो हम वहाँ जाना चाह रहे हैं, तो अभी हमने ऑटो बुक करा है, तो वहाँ पहुँचते हैं. मतलब यहाँ से 10 मिनट का रास्ता है वहाँ का. तो यू नो वहाँ पे भी बहुत अच्छी क्रिसमस की डेकोरेशन हो गई होगी अब तक, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी दैट. तो लेट्स गो टू हिल रोड. एंड माय मम्मा इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल. मतलब मम्मा जब भी हॉट पिंक वाला टॉप पहनती है ना, मेरे को बहुत अच्छी लगती है, ऐसे ब्राइट कलर से. तो अभी एक बहुत अच्छी क्रिसमस वाली शॉप आने वाली है. ज़्यादा अच्छे से दिखा दी.
यहाँ पे ना छोटे छोटे बच्चों के लिए सांता वाले कपड़े बहुत सारे दिख रहे थे मुझे, पर मैं छोटी नहीं हूँ ना इसलिए मैं नहीं ले पाई। अभी हम आ गए हैं मार्केट में, लेट्स फर्स्ट परचेस ऑफ द डे इज डन। अभी देखते हैं और क्या क्या शॉपिंग करेंगे। चलो चलो चलो, भीड़ बहुत है यहाँ पर। इसमें बड़ों की भी है क्या? गोलगप्पा इज लाइफ, तो ये खाना तो कंपल्सरी है। लो आप भी खा लो, क्या याद रखोगे। सो हमने गोलगप्पे खा लिए। क्या पैक कराया हमने? भेलपूरी हमने पैक कराई है एंड ये हमारा सामान है, खोली में छुपा के रखा हुआ है। और मैंने भैया के लिए भी क्रिसमस का गिफ्ट ले लिया है और अपने लिए भी बहुत कुछ लिया है। सो अभी चलते हैं घर। तो यहाँ पे ना मैं सिर्फ आंख बंद करके बैठी हूँ, पर मम्मी का कहना ये है कि मैं सो रही हूँ। सो दिस इज़ नॉट ट्रू, मैं सो नहीं रही हूँ, मैं बस आंख बंद करके बैठी हूँ ताकि मैं रिलैक्स हो जाऊँ। तो अभी मैं घर पे आई हूँ और घर पे आती एकदम शॉक हो गई हूँ। ये देखो मेरी बिल्ली को, बिग बॉस बन के बैठी है इतनी ऊपर। यहाँ पे ये जमीन है, यहाँ पे इतनी ऊपर चढ़ के बैठी है वो। स्नोई बिग बॉस बनी है या तो सब पे नजर रखने के लिए इतनी ऊपर बैठी है। देखो कैसे बैठी मैडम बन के। तो अभी हम घर आ गए, घर आते ही कुछ ज्यादा ही लेट हो गया, अभी 8 बज गए हैं और मुझे नींद भी आ रही है। और स्नो ऊपर बिग बॉस बन के बैठी है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ हमने क्या क्या लिया। तो सबसे पहले हमने ये टॉप लिया था, ये टॉप ऐसे टाइप का मुझे बहुत टाइम से चाहिए था, फुल स्लीव्स वाला, तो मैंने ले लिया। ऐसे मेरे पास ब्लैक कलर में है, बेज कलर में भी है, पर वाइट कलर नहीं था, तो यू नो ऐसे बस जीन्स के ऊपर पहनो पूरा आउटफिट बन जाता है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। और ये मैं बहुत टाइम से सोच रही थी, बिकॉज आई वांटेड दिस फॉर क्रिसमस, मतलब क्रिसमस में पहनने के लिए चाहिए था। अच्छा नहीं हाँ, अच्छा हाँ, प्राइस मैंने बताया है, दिस वॉज फॉर 250। सबसे पहले हमने यही खरीदा था है ना, तो ये था 250 का। और ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, ऐसे टाइप का मैं देख रही थी, मुझे चाहिए था। और इसका फैब्रिक भी काफ़ी अच्छा कंफर्टेबल है, ये हमें पड़ा था 300 का पजामा। एंड हमने और भी सामान लिया है, एंड दिस लुक हाउ क्यूट दिस इज, इसमें मतलब घर बने हैं, माउंटेन बना है, हाँ पूरा क्रिसमस का सांता है, रेंडियर्स है, एंड दिस वॉज ओनली फॉर 100 रुपीज। आई मीन आई कुड नॉट बिलीव इट, मतलब बैंड्रा में इतने सस्ते, तो काइंड ऑफ लाइक सरोजनी के प्राइसेस वाले मिल गया ना, ये सही प्राइस का मिल गया। सो यार ये सबसे ऊपर रखा हुआ था, सबसे बेस्ट प्रिंट भी यही था, तो यू नो वी फाउंड अ लकी पीस देयर। सो दिस इज द मेन पीस, तो मैंने ये भैया के लिए क्रिसमस के लिए खरीदा है, मैं आप सबको दिखा रही हूँ। अच्छा पूरा वर्क वाला कार्गो वाइड लेग वाला पैंट है, इसमें पॉकेट्स बहुत सारी, भैया को ऐसा बैगी टाइप का पैंट बहुत टाइम से चाहिए था और कलर्स में भी, हमने ये भैया के लिए ले लिया। तो ये पैंट मुझे बहुत पसंद आया, मैंने भैया के लिए ले लिया। इवन मेरी अपने लिए भी नजर पड़ रही थी वहां पर, मम्मी देखो ये पैंट भी अच्छा लग रहा, मम्मी वाला भी रहने दे, फिर भैया के लिए ले लेते, तेरे लिए बाद में ले लेंगे, ठीक है उसको छुपा के रखना है भैया से। अब पता नहीं क्या होता है, जब भी कोई भी भैया के लिए चीज़ आती है ना, भैया को पता चल जाता है कि मेरे लिए आया है ये, और भैया को पहले ही पता चल जाता है कि आगे क्या है भैया के लिए, उसको छुपा के रखेंगे ताकि भैया को पता ना चले। और अभी हम एक दो दिन बाद क्रिसमस की गिफ्ट्स की रैपिंग भी शुरू हो जाएगी, गिफ्ट्स रखेंगे हम थोड़ी और बहुत डेकोरेशन, थोड़ी बहुत और डेकोरेशन करेंगे हम। तो बस हमारा आज का दिन यही था, हम जल्दी उठे सनराइज होने से पहले, वॉक पे गए, हमारे शूट का लास्ट प्रोसेस हो गया जो था डबिंग, वो भी बहुत अच्छा हुआ। इवन मैंने देख लिया कि एड कैसी बनी है, बड़ी प्यारी लग रही थी, सो यू नो जल्दी रिलीज हो जाएगी, आप लोग भी देख लेना टीवी पे। एंड मेरी शॉपिंग भी हो गई, मतलब हमने बैंड्रा में ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करा, सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड हुआ आने जाने में, है ना, वापस आने में हमें कितना टाइम लगा, बहुत टाइम लग गया, 2 आवर्स लग गए हमें, तो बहुत टाइम हो गया था वापस आते आते, पर कोई बात नहीं, हम घर आ गए सेफ एंड सावर, एंड
बस आज का दिन यही था, आई होप आप सबने एंजॉय किया हो। आई विल सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट व्लॉग। स्टे सेफ, स्प्रेड पॉजिटिविटी। भाई आगे छुपा लो। सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट व्लॉग। लव यू ऑल। बाय।